नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में न अस्थाई दोस्त होता है न ही दुश्मन। सिर्फ घरेलू राजनीति में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा ही होता है। जो आज दुश्मन है कल दोस्त बन सकता है, जो दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के संदर्भ में यदि बात करें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, और दोनों देशों के रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आन पड़ी है। पाकिस्तान में कपास, धागे और चीनी की बहुत सख्त ज़रूरत है, जहां से अपनी इन ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है बहुत महंगा साबित हो रहा है। जबकि पाकिस्तान में 16 रुपए की रोटी बिक रही है और अरबों का कर्ज है, ऐसे में वो बिलबिला रहा है। आपको याद दिला दें, जब से अगस्त 2019 में कश्मीर को लेकर के भारत ने फैसला किया यानी 370 खत्म किया, तभी से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई और दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते थे वो बंद हो गए, और तब से लेकर के अब तक वो बंद पड़े हैं, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। अभी जब कोरोना ने दस्तक दिया, तब जब वैक्सीन की नौबत आई तो जो चीन से वो वैक्सीन खरीद रहा था वो 2000 रुपये की पड़ रही थी, और भारत की वैक्सीन बहुत ही सस्ती है, लिहाजा WHO के थ्रू वो ये वैक्सीन भारत से हासिल कर रहा है। और अब उसकी कैबिनेट ने जो है कपास, धागे और चीनी के आयात की मंजूरी भारत से दे दी है। जो 5 लाख टन चीनी का आयात करेगा पाकिस्तान, वो प्राइवेट हैंड्स के थ्रू करेगा यानी निजी क्षेत्र के थ्रू। तो इसको क्या माना जाए? ये मान लिया जाए कि ज़रूरत थी इसलिए ऐसा किया, या दोनों देश के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है? थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं। अभी जब पाकिस्तान का नेशनल डे था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना भेजी थी, बधाई भेजी थी वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान को, जिसका कि उन्होंने 29 मार्च को एक चिट्ठी लिख करके जवाब दिया। कहा कि हाँ, हम चाहते हैं देश भी तरक्की करे और पड़ोसी मुल्क में भी शांति अमन चैन हो, पूरे दक्षिणी एशिया में हो, लेकिन साथ में उन्होंने कश्मीर राग भी अलापा कि शांति के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर समस्या का भी समाधान हो। अभी ये चर्चा चल ही रही थी तब तक जो है ये फैसला किया वहाँ से। इसका मतलब कि पर्दे के पीछे से काफ़ी कुछ चल रहा है। थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान ने चिट्ठी लिखी उसका भारत में क्या रिएक्शन है। तो BJP के सांसद हैं, नेता हैं, बड़ बोले हैं, खूब बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अपने ही पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, प्रधानमंत्री को घेरने से बाज नहीं आते हैं, ना ही कभी लिहाज करते हैं, एकदम साफ साफ बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कश्मीर पे हमने सरेंडर कर दिया, यानी कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वार, और अब वो सरेंडर कर रहे हैं तो फिर बाय POK। और एक दिन लंदन में जो है दोनों नेता डिनर करते नजर आएंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। खैर, उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है, जवाब दे तो कुछ बात समझ में आए, लेकिन उन्होंने बात पते की कही है। कश्मीर पे सिर्फ भारत की इतनी ही प्लानिंग नहीं थी कि 370 खत्म करके दोनों को संघ शासित प्रदेश बना दिया जाए, POK वापस लेना है, ये भी संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था। तो ऐसे माहौल में कैसे आप POK लेंगे? तो इसको लेकर के आलोचना तो होगी, घरेलू राजनीति में आलोचना होगी, लेकिन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी तक ही सीमित नहीं है। बताया ये जा रहा है कि दोनों देश के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए UAE पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। UAE का दबाव है दोनों देशों के ऊपर, दोनों से उसके संबंध अच्छे हैं, कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए दोनों देश अपने मतभेद भुला करके साथ आएँ और वार्ता के टेबल पर बैठे, चाहे कश्मीर इशू हो, चाहे आतंकवाद का इशू हो, उस पर समस्या का समाधान ढूंढे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान को दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो लगातार उस पर दबाव बनाए हुए हैं आतंकवादियों के खिलाफ, उनके फंडिंग को लेकर के एक्शन लेने का, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। तो जब बातचीत होगी तभी तो आप कोई किसी चीज़ के लिए मदद के लिए रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो बर्फ़ पिघल रही है, यदि शांति के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से सोचें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना नहीं होगी, ज़रूर आलोचना होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरुआत कर दी है, और पाकिस्तान की मजबूरी है कि चाहे उसे वैक्सीन चाहिए, चाहे कपास चाहिए, चाहे चीनी चाहिए, वो भारत पे इसके लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत से जो चीज़ें जाती है उसके लिए सस्ती पड़ती है और वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।